दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को ये जानकारी देते हुए मुझे बेहद दुख हो रहा है कि बहुत से चैनल जो है वो जी ग्रुप के आने वाले समय में बंद होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अभी जो हमारे बीच रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी जी एंटरटेनमेंट ने कुछ ऐसी ही बात सामने रखी है। और ऐसी खबर दोस्तों जैसे ही हमारे बीच आती है मुझे बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है कि कितने सालों से हमारे बीच चैनल्स हमारा मनोरंजन करते आ रहे हैं और अचानक से जो है उन चैनल्स को बंद करने का फैसला कर दिया जाता है। और इसका जो असर है वो आम जनता पर पड़ता है, उनके मनोरंजन पर पड़ता है जो कि कितने सालों से उस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। अपना जो है एक कह लीजिए एक अटैचमेंट हो जाती है उस चैनल से, उस चैनल को जो कार्यक्रम देखते हैं उससे, और अचानक से अगर वो हमें छोड़कर चले जाए तो बहुत दुख होता है। और आज की इस वीडियो में भी हम इसी बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारे बीच जानकारी आई है, जिसमें बताया गया है कि जी ग्रुप बहुत से एंटरटेनमेंट चैनल्स, कुछ फिल्मों के चैनल्स, न्यूज़ के चैनल बंद कर सकता है। ये कौन कौन से चैनल्स हैं, कौन से कैटेगरी के शामिल हैं, उसी के बारे में आज किस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। चैनल पर ही बनाए हैं अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आगे चलकर भी आपको इसी तरह की जानकारियां हमारी ओर से मिलती रहेंगी। और सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, इसलिए हम आपको सब्सक्राइब करने का आग्रह करते हैं। तो देखिए, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के बीच अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि मर्ज हुआ है। मर्ज का मतलब होता है जब दो ब्रॉडकास्टर्स, दो कंपनियां एक हो चले, यानी कि दो कंपनीज हैं जो अलग अलग रूप से काम कर रही थी, वही अब एक ही डिसीजन होगा और एक ही तरीके से काम करेंगी। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ सालों पहले हमारे बीच स्टार इंडिया और डिज्नी एक हो गए, तमाम चैनल्स जो थे उनके बीच में मर्ज हो गए, बहुत से चैनल्स जो है उन पर शिकंजा कसा गया, बहुत से चैनल्स जो है वो स्टार ने भी अपने बंद किए, कुछ डिज्नी ने बंद किए। अब उसी तरीके का जो काम है वो सोनी और जी के बीच में देखने को मिलेगा। बहुत से चैनल्स हमें लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे जो कि अच्छी बात है हमारे लिए, बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो कि हमें बंद होते हुए दिखाई देने वाले हैं, बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो कि मर्ज होते हुए उनके नाम बदलते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। अब इस वीडियो में जो हम खासकर बात करने वाले हैं वो उन चैनल्स के बारे में करेंगे, उस कैटेगरी के बारे में करेंगे जिसके ऊपर जी एंटरटेनमेंट की ओर से रिपोर्ट सामने आई है। तो बताना चाहूंगा कि जी एंटरटेनमेंट ने जो रिपोर्ट में सामने रखा है उसके मुताबिक करीब 20 से 30 फीसदी जो मार्केट शेयर वह चला रही है उसमें जो एंटरटेनमेंट चैनल्स आते हैं, चाहे वो कोई भी एंटरटेनमेंट चैनल हो, धारावाहिक का चैनल हो सकता है जिस पर आप नाटक देखते हो, फिल्म का चैनल हो सकता है, म्यूजिक का चैनल हो सकता है, कोई भी चैनल हो सकता है, उन चैनलों पर शिकंजा कसा जाएगा। और अगर जी ग्रुप की बात करें तो ये जो शिकंजा है वो खासकर एक स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर सबसे पहले कसता हुआ दिखाई दे सकता है जो कि रहेगी मराठी कैटेगरी। अगर आप में से ऐसा कोई दर्शक महाराष्ट्र का रहने वाला है, मराठी भाषा के कंटेंट देखता है, समझता है, तो उसके लिए वीडियो खासकर रहने वाली है, क्योंकि जी एंटरटेनमेंट की ओर से जो अनाउंसमेंट हुई है उसके मुताबिक जी एंटरटेनमेंट के बहुत से चैनल्स हैं जैसे कि जी मराठी HD, जी टाकीज HD, जी युवा, जी 24 घंटे तास और आपका जी चित्र मंदिर अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले या साल पहले लॉन्च हुआ है। इन तमाम चैनल्स पर जो है जी ग्रुप शिकंजा कर सकता है और इन तमाम चैनल्स को हमारे बीच अचानक से बंद कर सकता है, क्योंकि यहां पर सोनी का यही कहना है कि अब इन चैनल्स को आगे चलाना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे लगता है कि सोनी चाहता है कि वो अपने चैनल्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करें, या फिर वो चाहता है कि तमाम शोज जो है वो खुद ब्रॉडकास्ट करें, क्योंकि एंटरटेनमेंट कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो सोनी थोड़ा सा पीछे है। सोनी की जो ज्यादा पोर्टफोलियो ज्यादा लंबा नहीं है, चैनल्स बहुत कम है इनके, और जी के चैनल्स काफी ज्यादा पाए जाते हैं, तो ऐसे में हो सकता है जी के जो चैनल्स उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम शेयर होल्डिंग की भी बात करें तो सोनी के पास ज्यादा शेयर्स हैं जी के मुकाबले, तो यही हो सकता है कि थोड़ा सा जो दबाव है वो सोनी का जी के ऊपर देखने को मिलेगा। और अभी भी जो रिपोर्ट में सामने आया है वो यही है कि करीबन 20-30% की जो मार्केट चैनल्स हैं उन सभी पर जो है अचानक से जो है रोकथाम लगाई जाएगी और उनको शटडाउन किया जाएगा, बंद किया जाएगा, जिसमें आपको तमाम चैनल जो मैंने बताए हैं ये बंद हो सकते हैं। अभी कब होंगे कैसे होंगे उसको लेकर तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि अभी जो मर्ज है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मर्ज होने में अभी कुछ समय और लगेगा, लेकिन कह लिया जाए तो आने वाले समय में अगर ऐसा होता है कुछ महीनों में या कुछ एक दो साल में ऐसा होता है तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव पॉइंट है हमारे लिए। हमें तो उम्मीद है नए चैनल्स के लॉन्च होने की, ना कि हमारे अच्छे खासे देखे जाने वाले चैनल्स को बंद करने की। आपकी राय इस पे क्या है, आप क्या चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जो भी आपके राय हो वो बता सकते हो, लेकिन खासकर यहाँ पर एक स्पेसिफिक मराठी कैटेगरी की हमने एक बात की है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मराठी कैटेगरी ही शामिल हो, आने वाले समय में कोई हिंदी या कोई और लैंग्वेज की जो कैटेगरी है उस पर भी इसी तरह का शिकंजा कसा जा सकता है। जी ग्रुप को इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए, इतने अच्छे खासे चैनल्स काफी सालों से चल रहे हैं उसको ये बंद कर रहे हैं, मेरे समय से परे। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो जरूर पूछिएगा। नमस्कार।